आप भी कुछ ना कांग्रेस पार्टी वाली बात कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ एंटी कर रहे हो यार। बताइए मुस्लिम पार्टी के नाम में अरविंद केजरीवाल एरिया वोट तक मांगने नहीं। मुसलमान एरिया क्या होता है? एक सेकंड, मुसलमान एरिया क्या होता है? सारा एरिया भारतीयों का यार, मुसलमान एरिया, हिंदू एरिया, बंद कीजिए पोलराइजेशन। जब देखो आप मुसलमान मुसलमान एरिया, आप मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, आप मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। कोई मुसलमान एरिया नहीं, कोई हिंदू एरिया नहीं, भारतीयों का एरिया है। अरे बार बार मुसलमान, आप मुसलमानों को पोलराइज कर रहे हैं, देश के आप ऑब्जेक्ट कीजिए, कम से कम वो जो कह रहे हैं उनकी बात आने तो दीजिए। मुसलमान एरिया क्या होता है? जो पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो कांग्रेस ने बनाया है, जो दिल्ली में घिटोस बनाया मुस्लिम एरिया के नाम से, आप चले जाइए ओखला, आप चले जाइए सीलमपुर, आप चले जाइए मुस्तफाबाद, आपको पता लग जाएगा मुस्लिम एरिया। हम लोग सब लोग जहाँ बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, तहसीन साहब प्लीज, और कलीम साहब आप एक सेकंड, वन सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जमीन पर रहकर बात करें। मुस्लिम एरिया क्या होते हैं हम सब जानते हैं, हम वो इलाके होते हैं जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, उसको हम मुस्लिम एरिया कहते हैं। सुनिए, गलत टर्मिनोलॉजी, आप टर्मिनोलॉजी सर, मैंने फिर कहा जमीन पे खड़े होकर बात करनी चाहिए, प्रैक्टिकल बात करनी है। आपकी आपकी नाराजगी सुनिए, हिंदू एरिया में मुसलमान, मैंने कहा मेजोरिटी, मेजोरिटी कौन कहा नहीं गया, क्या बात एरिया में, ये क्या ये एरिया नहीं गए तो इसमें खमियाजा भुगत रहे हैं, नहीं आ रहे, ये खमियाजा भुगत रहे हैं, इसीलिए बंद होना चाहिए। अच्छा बोले चले ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए सौरभ जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। देखिए मेरा विचार है, मुझे पूरा हक अपनी बात रखने का। दिल्ली में घिटोस क्रिएट किए हैं कांग्रेस ने और उसको सपोर्ट किया है बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने। जो घिटोस, जो गरीब इलाके, अनथराइज इलाके, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में आम आदमी पार्टी का कोई नेता वोट तक मांगने नहीं गया, इसलिए ओखला की दोनों सीटें हार गई आम आदमी पार्टी, दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। अभी इन्हीं का सवाल मेरा ये है, इस्तेमाल कर मेरा सवाल, आप कौन है? एक बार अपनी बात कहले पूरी, क्या कह रहे हो, कहले पूरी एक बार बात कह रहे हो, आपको बताता हूं, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कहने दीजिए, प्लीज कहिए, आपके बाद में कहूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो अच्छा कर रही है ये अपनी नीतियों के कारण नहीं कर रही, अपने चुनावी प्रबंधन के कारण कर रही है, और आम आदमी पार्टी जिसको बहुत लीड लेनी चाहिए थी, जो माइनस मुस्लिम खेली वो, उसकी वजह से वो इतने नीचे पे आ गए। अरे आप बोले बोले, अरे तहसीन साहब प्लीज प्लीज एक बार, लेट मी मॉडरेट, मुझे बताइए दिल्ली में ऐसी कितनी सीटें हैं जो आप मुस्लिम इलाका मानते हैं? दिल्ली में ऐसी 27 सीटें हैं, अच्छा, जिसमें मुस्लिम ही तय करता है और मुस्लिम ही उसका कॉर्पोरेटर बनेगा या मुस्लिम नंबर टू पर है। अब आपसे जो शिकायत है लोगों को, वो ये है कि आप हर जगह जाकर के, जैसे आपने मुस्लिम इलाका कहा, घेटोज आप कह रहे हैं, आप वही इलाके चुनते हैं, उन्हीं इलाकों में अपना आदमी खड़ा करते हैं और कहीं नहीं करते। हाँ, पूरी दिल्ली में आपको वही 27 में से 15 सीटें नजर आई और पूरी दिल्ली आपको नजर नहीं आई। जी हाँ, इसलिए आई क्योंकि उन इलाकों के साथ इन सब ने इतना अन्याय किया है कि वो इलाके दिल्ली के लगते ही नहीं है, वो इलाके ऐसे लगते हैं जैसे कितना गुनाह उन्होंने किया उनके इलाके। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कूड़े के ढेर हैं, खुले नालियां हैं, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल नदारा दें, इसलिए हमने तो वहां दिल्ली की सरकार काम नहीं करती, वहां एमसीडी काम नहीं करती। देखिए अगर दिल्ली की सरकार और एमसीडी के स्कूल मिलाएं तो एक विधानसभा पे 37 स्कूल आते हैं। मैं जहां हम लड़े हैं वहां 37 की जगह 4 स्कूल है। इसी तरीके से अगर मोहल्ला क्लिनिक और एमसीडी की डिस्पेंसरी मिलाएं तो एक विधानसभा पे 22 आती हैं। आप मेरे साथ चलिए अगर 3 से 4 से ज्यादा ये डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक, तो जब इतनी सुविधाएं नहीं है वहां पे तो आप जाकर लड़ेंगे? 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर आप बोलिए। 10 सेकंड बहुत शॉर्ट में इन्होंने कहा, और मैं इनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, और फिर उसी को जोड़ते हुए कहा अनऑथराइज कॉलोनी। ये पोलराइजेशन कैसा है? मतलब आप आपके शब्दों से कह रहे मुसलमान अनऑथराइज जगह पर है, आप आपके शब्दों से कह रहे, ये आपके शब्द है मेरे जाएगा, वो
जब सरकार की पॉलिसी ऐसी है कहां जाएगा वो मजदूर है पोलराइजेशन कहां रहेगा ये पोलराइजेशन होता है ये सब कांग्रेस की शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।